असलम स्टूडेंट्स लॉन्गवीड एड्जॉप आइसोथम के मैथेमेटिकल रिलेशन की तरफ हम चलते हैं आप लोगों ने फर्ज कर लेना है कि आप लोगों के पास एक सॉलिड सर्फेस है जिस पर गैस मोलिक्यूल्स एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं और डिजॉर्ब भी हो रहे हैं तो जो रेट ऑफ डिजॉप्शन होगा वो प्रोपोशनल होगा थीटा के थीटा क्या है फ्रैक्शन है फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सर्फेस अकोपाइड बाई गैस मोलिक्यूल्स यानी कि वो सर्फेस जो गैस मोलिक्यूल्स ने अक्योपाई की हुई है उस टोटल सर्फेस का फ्रैक्शन अब जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमने ख़त्म किया तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट आ गया के डी और इक्वेशन बन गई रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज इक्वल टू के डी थीटा के क्या है रेट कांस्टेंट है डिजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के बाद हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ एडजॉप्शन की रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बेटा प्रोपोर्शनल है वन माइनस थीटा और प्रेशर के वन माइनस थीटा वो सरफेस है जो कि गैस मॉलिक्यूल्स ने अगे नहीं की हुई फ्रैक्शन ऑफ द सर्फेस दैट इज नॉट अक्यूपाइड बाई गैस मोलिक्यूल यहाँ पे हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करने के लिए भी एक कॉन्स्टेंट लगाया है के ए जो की रेड कॉन्स्टेंट है एड्सॉप्शन प्रोसेस का और इक्वेशन बन गई के ए वन माइनस थीटा पी और आपको पता है कि जब डाइनामिक इक्वलीबरी में इस्टेब्लिश्ड होता है तो रेट ऑफ़ डिजॉपशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के तो इस लिहाज से जब रेट ऑफ़ एड्जॉप्शन को हम इक्वल करेंगे तो के डी थीटा इक्वल आ जाएगा के ए वन माइनस थीटा पी के नेक्स्ट के डी थीटा के ए इस प्रेशर से मल्टीप्लाई हो जाएगा के ए पी माइनस के ए थीटा पी आप इस के ए थीटा पी वाली टर्म को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाओगे तो इक्वेशन बन जाएगी के डी थीटा प्लस के ए थीटा पी इज इक्वल टू के ए पी अब अगर आप इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे थीटा जो है वो कॉमन आ रहा है थीटा को कॉमन लेके आप अंदर लिखेंगे के डी प्लस के ए पी इज इक्वल टू के ए पी थीटा को इस तरफ रहने देंगे बाकी स्टर्म्स को इस स्टर्म को उठा राइट साइड right पे ले जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी के ए पी ओवर के डी प्लस के ए पी नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है इक्वेशन की राइट right साइड को डिवाइड करना है के डी से के ए ओवर के डी प्रेशर ऐसे का ऐसे के डी डिवाइडेड बाय के डी प्लस के ए डिवाइडेड बाय के डी प्रेशर ऐसे का ऐसे अब के ए भी कांस्टेंट है एडजॉपन प्रोसेस का के डी भी कांस्टेंट है डिजॉप्शन प्रोसेस का तो इन दोनों कांस्टेंट्स को हमने एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया है वो सिंगल कांस्टेंट है बी यानी कि के ए ओवर के डी इज इक्वल टू बी तो इक्वेशन क्या होगी थीटा इज इक्वल टू बी पी वन क्योंकि के डी ने के डी को कैंसिल कर दिया तो वन आ जाएगा प्लस के ए के डी की जगह पे बी और ये प्रेशर ऐसे का ऐसे ये है लॉन्ग मीर एबजॉर्प्शन आइसोथम की एक फॉर्म हम एक और तरीके से भी लॉन्ग मीड एब्जॉर्प्शन आइसोथम का मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो बता सकते हैं वो कहते हैं मैस ऑफ गैस एबजॉर्ब पर यूनिट मैस ऑफ एब्जॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस अक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल एक्स क्या था गैस मैस ऑफ गैस एब्जॉर्ब एम मैस ऑफ एबजॉर्बेंट और थीटा क्या था फ्रैक्शन ऑफ टोटल सर्फेस अक्योपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल्स प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे के लिखा दिया थीटा आप लोगों को पता है किसका इक्वल था बी पी वन प्लस बी पी के तो यहाँ पे अब हम इस इक्वेशन में थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी के मल्टीप्लाई बी पी वन प्लस बी पी ठीक है और इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं के बी मल्टीप्लाई बाई पी वन प्लस बी पी के बी बी के बी कॉन्स्टेंट है बी बी कॉन्स्टेंट है इनको भी हमने एक सिंगल कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दिया है ए से तो अभी क्वेश्चन क्या बन जाएगी के बी की जगह पे हमने लिखना है ए एक्स ओवर एम इज इक्वल टू ए पी वन प्लस बी पी बेटा ये सेकेंड फॉर्म है लॉन्ग मीर एड्सॉप्शन आइसोथर्म की